कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत उत्तरी सिमरिया पंचायत के वार्ड नंबर 11 कोलासी गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र लगभग 15 वर्षों से बंद पड़ा है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार इस उप स्वास्थ्य केंद्र में न ही कोई डॉक्टर आते हैं और न ही कोई अन्य स्वास्थ्य कर्मी। यह उप स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ पोलियो का टीका लगाने के समय ही खुलता है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य केंद्र में इलाज से जुड़ी कोई भी व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है तो उसमें डॉक्टर या ANM की तैनाती होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। जानकारी के अनुसार कोलासी आसपास लगभग 12 किलोमीटर के दायरे में कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है। ऐसे में इस उप स्वास्थ्य केंद्र को खोला गया था तो इसमें सुविधाएं क्यों नहीं दी गई, इसे बंद क्यों करना पड़ा। ग्रामीणों ने इसे जल्द से जल्द खोले जाने की मांग की है। यहाँ का समस्या क्या समस्या क्या है कि हम लोग को कभी दवाई नहीं मिलता है, 15 साल से बंद है। यहाँ डॉक्टर मैडम आती है सिर्फ पोलियो दवाई के लिए आती है और उसके आगे कोई दवाई नहीं। करीब 15 साल से बंद है, नहीं आती है लेकिन केवल सिर्फ पोलियो दवाई बांटने के लिए। समस्या की जैसे कि गांव में है अस्पताल खुला हुआ है सरकारी, मतलब बैठता है डॉक्टर नर्स, तो किसी को पेट में दर्द हो गया, किसी गरीब आदमी को पेट में दर्द हो गया या माथा चक्कर हो गया, बुखार हो गया, तो मतलब यहाँ दवाई लेने ले चले आते थे, उस टाइम दवाई मिल जाता था, अभी कोई कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ पोलियो बच्चा पिलाने लिए खुलता है, नहीं तो नहीं, सब दिन बंद रहता है। यहाँ कुछ नहीं मिलता है, दवा दारू कुछ नहीं है। जब घर में बिछना में पड़ अथी सुतल रहते हैं तो कुछ का उपाय नहीं है। ये हॉस्पिटल में कोई साधन। शाहजहां आलम, टाइम्स न्यूज, कोढ़ा।